जय हिंद, 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 जोरदार रूप कैमरे, जय हिंद, जय हिंद, बना दूर करके जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। भाई जय हिंद दार पर हो ना हो, ये बेरोजगार आर पार जरूर है। ये मैं बैठ के बतलाऊंगे, बाकी एक मैं दोनों मुट्ठी बंद कर लो, अरे खड़े हो लो जवान वालों को सारे मुट्ठी बंद कर लो। ये मीडिया वाले जितने भी साथी हैं, ये एक बार न्यू दिखा दो, क्योंकि अपना 12 बजे का टाइम था ना भाई, तुम बताओ है 10 बजे आलियाड़ है ना। ये आजकल नेताओं की रैली चल रही है, 12 बजे टाइम दे, सांझ ने 6 बजे लोग आवे भी पुआ पीपी गए हुए हैं। दवाई सुन लो, अरे सीआईडी वाली मान लग रहा था ना, वो लोकता लोकता बेचारा उनका काम हो रहा है। मैं वो तो कह गया हूं, एक बार अपने मुख्यमंत्री ने बता दिए भाई, ये जो बेरोजगार है इनका के तक काम कर दे ना भाई। मैं और तक मैं कहता हूं ना, देख भाई और तक मैं हो ना हो, हम तो फिर नाश करेंगे इसी दीवार में, करते होगे कि नहीं करते होगे। अरे रुक का दोनों हाथ आ गए, दोनों हाथ आ गए, नाश करते होंगे कि नहीं करते होंगे। अरे भाई ये तो रिजल्ट रोका है, इसके चक्कर में पड़ रहे हैं, इनका भी इकट्ठा करा है, कहते हमने कोई भेदभाव नहीं बरतना ही सही, गलत बात तो नहीं है। अरे गलत बात नहीं है ना भाई। अरे एक बात और बता दो हो, परमिशन तो 2 दिन की है, बाकी मेरा यो मानना है जब तक ये रिजल्ट निकट है अलियो मनना मेरे भाई, तैयार हो नहीं हो वो दंगी की तैयार। ये ईसा है भाई, बहुत से लोग ने ड्राई हो गए, तुम ड्राई नहीं ड्राई उड़े तय बोले लठ लाग जाएंगे, गोली सोल जाएंगी, केस लाग जाएंगे, इसी से बात कही थी ना भाई है? भाई लठ लागेगा तो पहला जैंद लागेगा, पहली बात गोली लागेगी पहली जैंद लागेगी, और केस पहले एक दर्जन है एक और हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। मैं मुख्यमंत्री अभी मैं उसकी आवाज सुन रहा था चेयरमैन की कीमत सिंह की, कीमत सिंह के अच्छा हिम्मत हिम्मत मानेंगे जब हिम्मत मानेंगे जब जमीन बड़का ने सारे ने ज्वाइनिंग दे देगा, जब ना हमारे ताई तक कीमत है कुछ नहीं होता, तब वो हिम्मत चलो आज से चेयरमैन साहब का नाम दीमक सिंह रख दिया जाता है, सर्वसम्मति है ना भाई। आठ ना तेन को एकला बोला था आठ आगे बताओ दीमक अति सही को खा गया नौकरी, बड़का की नौकरी खा गया,
गलत बात नहीं है ना। तो आज से सर्वसम्मति मीडिया के साथ भी और वो सुन रहा भी होगा, देख भी रहा होगा। और 3 बजे है मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सैनी साहब, 3 बजे। इससे पहला दिन नन्ही गई थी ना, जब इन ननू मेरा बटा पूरा रोला माच रहा, वो आप लोगों की वजह से है। तीन बजे मुख्यमंत्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई, ये किसी पार्टी वाले नहीं आ रहे, सारे बेरोजगार है भाई। और ये हरियाणा की करीम है, करीम। के है भाई, अरे रुका मारो, के है ये हरियाणा की करीम है, बादवे के काम है, अरे खड़ी है। तो वैसे तो शर्म आनी चाहिए इतनी कि 3 फुट जिस जोड़ में पानी उस समय डूब जाना चाहिए, 6-7 फुट की जरूरत नहीं है। तो भाई देखो, मैं तो ये कहूंगा 3 बजे मुख्यमंत्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनने कहनी चाहिए। और जो एक खटका एक खटके ही तो कसर नहीं रही भाई। और मैं न्यू भी कहूं, ये आदमी है डांगर को, डांगर तो नहीं मार रहा तुमने, कभी न्यू मार रहे हो, थारी वोट है कौन है? अरे वोट है ना सारा की, सारा की वोट है। ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले 2 महीने में भर्ती करेगा 50,000, पता ही मैं तो नहीं कह रहा ना भाई, मैं तो नहीं कह रहा ना। अरे एक बात बताओ, मर्द की नुक आ रहे जुबान हो क्यों आ रहे? अरे मुख्यमंत्री का जुबान यार और बड्डी हो है, हैं? अबे मुख्यमंत्री का यार राजा हो जा है। अब जब उस अपनी जुबान पे नहीं रहता जो आदमी, तो उसने भाई क्या कहेंगे? अरे मुख्यमंत्री साहब, ये तेरे कई और बात से मारी कई और कुछ नहीं है इसमें। ये मैं देख रहा था, वो चेयरमैन साहब कह रहा था, बोला एक बोला वो जयराम रमेश उसने रखवा दी, हम के जाने भाई जयराम ने सियाराम ने उन्हें क्या मानना हमें। न्यू तो यार कल कोई भी रुकवा देगा भर्ती, बताओ। अरे मेरा एक बात समझ में नहीं आती, पहला तो न्यू कहेंगे एक बोला भर्ती रोको गैंग है, भर्ती रोको गैंग। अरे गैंग बड़ा हो सरकार बड़ी हो है? अरे तू गैंग का कर दो एनकाउंटर के प्रॉब्लम, हमने तो कोई समस्या नहीं। भाई सरकार बड़ी होती होगी ना, गैंग कोई कितना ही बड़ा हो यार, सरकार तो बड़ा थोड़ी हो है। अरे भाई मैं मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करूं भाई, नु कह बोला चुनाव आयोग अनुमति दे देगा तो हम लिस्ट ला देंगे। अब एक बात बताओ, मुख्यमंत्री को हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोज चक्कर काटते हैं उड़े दिल्ली के, एक बजा चुनाव आयोग तो रजा के बैठ जा भाई, क्या प्रॉब्लम है, दे परमिशन। अरे एक बात और बताऊ मैं भाई, ज्वाइनिंग मांग रहे होगे ना तुम, टिकट तो नहीं मांग रहे ना? अरे सुन लियो, ये टिकट मांगनिया जय ज्वाइनिंग ना करवाई ना, टिकट उल्टी देते हैं ढोगे, देख लियो हमने। जो काम करते होगे ना, अरे कोई भी नेता हो है, किसी भी पार्टी का भाई, ये माला फूला की रपिया की मत लेके गाला करो इन नेताओं का। ये जो पक्ष वाला हुआ सरकार वाला, उसने तेने पूछते ना करे आगे मारे ताई भाई बता, और विपक्ष वाले तेने पूछो भाई तना आवाज कर थाई, कोई बोल रहा है भाई कदे है? तो भाई इनके लिए अपने मुद्दे की माला
और मुद्दे नहीं होता गांव में बढ़िया बढ़िया लीटर कट्ठे करके जूते आइए माला बना दे। अरे मेरे भाइयों सारे नौजवान साथियों सारे पढ़े लिखे हो इसलिए समझो हो मैं भी धक्के खा रहा हूं भाई यूनिवर्सिटिया में मन ने मेरा बेरोजगारी के ही मैं आऊ होना जब देखता है अड़े कोई 5-6 मोटरसाइकिल खड़ी है मोटरसाइकिल ये 5-10 जो कार खड़ी है अभी तक मांगी ला रहे होंगे किराए पे। अरे किसा भी नेता की रैली में चले जाइयो या अड़े 2000 बालक है ना मनमाना 2100 कार खड़ी पाओगे उनको 2100 कार आदमी 2000 कार 2100 पाओगी तुमने सोचते हो 2000 आदमी हम 2100 कार क्यों कर पाओगे भाई गैला ड्राइवर ने उल्टा भेज दिया अरे कही है कि जा तू गाड़ी खड़ी कर जाइए ये हाल है ये मेरे उन साथियों का हाल है बेरोजगारों का जो पढ़े लिखे हैं कै साल हो गए भाई धक्के खाते तुमने ये मैं सीएम साहब का खट्टर साहब का पछले तेने बोला मगा सीएम साहब इन नकर दो भर्ती आके बोला सारा ना मगा रंडा पेंशन देना चाहो हो इव सारे तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते रंडे भाई ये ऐसे ही चलता रहे आप लोग नहीं जाके और ये अपने उसे उस पर है ना भाई साहब सारा ने आखिर में ये रंडा पेंशन की उसमें कैटेगरी में ला देंगे और फिर नु कहेंगे देखो भाई बजाओ ताली तुम्हारी को रंडा पेंशन दे रही है वेटी जीटी वाले बड़ा कायदे कल आज भी वो चेयरमैन ने शर्म नहीं आती झूठे आदमी रहे वे कल लेटी जीटी वाले बड़ा कहा मेरे तेने बोले भाई साहब 4000 लाए 2500-3000 तो खाली है आज भी ने बोला हमने 7000 कुछ बोला इस पर टी जी डी में भर्ती कर दिए कल देखे ना आपने बड़ा कहा रहे थे अपने तम्बू में अच्छा उनने भी सेंटर वाला ने भी इबनू तो भाई ऑटो लेनिया ने भी रोजगार में गिन रहे हैं रेडी लानिया ने पकौड़े तलनिया ने भी रड़ रहे हैं है? तो भाई मेरी आप लोग आपके पास सारे मिल लेंगे नंबर है नहीं है तो हमने एक बार भेजे थे क्योंकि मैं एक बार राज्यसभा का मेंबर बनाया था अरे मैं न्यू बनाया था कोई सब डर देगा मैं उम्मीदवार नहीं बढ़ते विपक्ष वाले भी क्योंकि कोई तमाल कमा रहा है उसके लिए सीटी है कोई कांड कर रहा है उसके लिए सीटी है इनके पास है कि नहीं है तो भाई बागा मार दो रहे तंबू है ना ईडी ने भेज दो सीटी भेज दो मारे तो कुछ नहीं एक ने भी समर्थन ना दिया मैंने उधर मन ना बढ़ा दिया उम्मीदवार के प्रॉब्लम है तो मन्ना के ग्रह सारे में लगे नंबर काट लिया मां फोन करो लोगों ने इनके फोन बंद करवा दिए आखिर में तो अब ये आपका काम है सारे के नंबर है वह फाइल आप लोगों के पास भेज देंगे हम अरुड़ा जाग नहीं आड़े अरे हाड़े तो सारा ने फेसबुक पे लाइव आना है हाड़े तो सारा ने वीडियो बना बना डालनी है अरे हाड़े तो जो भी कुछ कार्रवाई करनी है भंडारे का उचित इंतजाम है भाई पूरा है पूरा यो भंडारा कही थे मैंने खट्टर साहब दमगा भी नौकरी ला दे तेरे नाम का कर देंगे मन न के बरा आखिर में थरते खवाना पड़ेगा यो भी है अरे अरे काज भी करते हैं नौकरी ला देगा दे हमने कोई प्रॉब्लम ना है भाई 3 बजे जब मुख्यमंत्री साहिब यो जो आया था ना वो दीमक संघ जब भी आए थे आड़े बैठ के आपा ना कोई नारे वारे भाषणबाजी को ना गणा असली काम करना है उस पर कम तक कम 10,000 कमेंट जाने चाहिए जो ही वो बोल रहा है और जब मुख्यमंत्री बोल लगा उसका वो अपने चैनल तथा वो कॉमेंट आना वो कर देंगे ना भी वो को चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो इतने कमेंट कर दियो और कमेंट में गाल नहीं देनी है किसी ने समझ गए ना गाल किसी ने देने भी दो डो डाट ला के दे लियो कोई प्रॉब्लम नहीं छो मात नहीं बच्चे करे और मरता के ना करता ठीक है ना
तो 3 बजे मुख्यमंत्री सीआईडी वाला जो भाई मन मिला भाई सीएम साहब दे कह दे सदबुद्धि दे दे जो हाथ कहता होता हाथ जोड़ लेंगे भाई पां कहता हो पां पकड़ लेंगे भाई मैं हूं तो किसी पकड़ नहीं सकता भाई थार तो नौकरी दे दो मैं पकड़ लूंगा भाई जाग उसके पास और तुम एक बात जोड़ दो सारे ये बंदे हई हो भाई भाई जोड़ अरे नो नहीं कौन ही आता हैंगे कौन ही आता हैंगे कौन ही आता हैंगे और के जान दे भाई हम पेपर पास कर रहे हमारी कोई गलती ना अरे धक्के खाना लाग रहे यार तो इसलिए 3 बजे तक अभी काम है और 3 बजे पाछे अड़े बैठ के डिसाइड कराया भाई सारे भाई आ के करना के नहीं बैग वैग तो बांध के ले रहे हो गे और 2-4 दिन ना नहाओ दोगे तो के जाए यार जय नौकरी ना मिली तो एक एक हफ्ता ना नहाना बंद हो जाएगा फिर है गलत बात तो नहीं है ये कट्ठे तो इनका पसरा नारा नहीं चलता यमुना पार के कुछ है नौकरी लगवा दो हम तो इन नहीं हरदवार नवाया होंगे कोई प्रॉब्लम ना तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूं ये जो एक वाला गाड़ा रहा ना यो 1 लाख के बराबर है 1 लाख के बराबर ना मानो तो 1,000 के बराबर तो मानना पड़ेगा है कि नहीं भाई भाई ये उसे तो है नहीं नकली पेपर पेपर और वो पास कर कर हुए तो है नहीं क्योंकि अगर वे कहेंगे तो फिर ये न्यू नहीं कह सकते हमारी पेपर हमने ओरिजिनल करवा रखा है तो इसलिए मैं तो यहां से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी करो और तभी अरे खुले आसमान है सोलोगे ना अड़े रात ने आंदोलन करना भी सीखना पड़ा फिर तुम कर्मचारी बनोगे कर्मचारियों के आंदोलन मैं भी जाऊंगा मैं भी तनख्वाह बढ़वानी पड़ा उन्हें हौसला रखो इकट्ठे रहो 100% कहो भाई सारा काम पक्का होगा कदी कदी पक्का रहना पड़ागा करड़ा और करड़ा इतना जो भी हमारे बीच माया कत्ती नाश करेंगे भाई सीधी बात है और तो कुछ ना मन मेरा तुमने मेरी टिकट कटवानी दी कटवा दी भाई पर नो है नौकरी लाग जाओगे 100-100 रुपये भी कदे कदे भेज दिया करोगे तो मेरा काम चाली था इतने तो भेज दिया करोगे इस पर हाथ ना उठाए तो किसने भी हाथ ना गणे ना मांगो रे तो इसलिए मेरे भाइयों बहुत डिसिप्लिन है शांतिपूर्ण तरीके से हलना नहीं है जय तम नहीं हले तो ये सिस्टम और सरकार हल जाएगी और नहीं दाब कितनी पड़ रही है तुम सोच नहीं सकते मैं बताऊं खूब दाब पड़ रही है और टाइम भी सही आ रहा है हिबके ने भाई हमने या भर्ती करवानी है चाहे आड़े तो उठ के चुनाव आयोग के घर के बाहर जाकर बैठना पड़ो भाई अरे चुनाव आयोग ने भी कहा है भाई अग जो थरते ही नल लेटर दे रखे जो जो बहाने बना रखे है ना हाईकोर्ट ने अलग ऐसा कुछ नहीं कह रखा हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कह रखा लेकिन जो भी बहानेबाजी हो रही है कोई बहानेबाजी नहीं चालन देंगे चिंता मत करो लड़ाई थारी है अपनी लड़ाई है थारी तुमने लड़नी पड़ेगी भाई तैयार हो ना लड़ना हाँ तो अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो 3 बजे मुख्यमंत्री साहब ने भी देख लें के कह के नहीं कह है उसके बाद फिर आड़े अपना डिसाइड करेंगे अपना जितना तुखड़ा वो आड़े बैठ के बतलाओ भाई ना रोना को ना रोण की टाल करो अकेला क्या है चुनाव है 2 साल पड़ेंगे है भाई चिंता मत करो हाजर का लगा देता है फिर चुनाव आयोग द्वारा भी चाल पड़ा है तैयार हो सारे भाई हाथ ठा गए थे माँ की सुखा कर बताइए झूठी ना खाइयो
दिल्ली कहा से रुक के मारेगा फोन करके सब न बुला लो आड़े भाई जो आज नहीं आ पाए काल बुला लो अरे जब मारा समाधान नहीं हुआ फिर आड़े तो दिल्ली घड़ी दूर ना दिल्ली चल लांगे सारे सारा का समर्थन है ना भाई आठ पद सरले के बाद है कौन सी पार्टी आ रहेगी तमरे भाई आड़ जिस भाई ने अपनी बात रखनी है वो अपनी बात रखो आराम ते डिसिप्लिन ते प्यार प्रेम ते अपना कोई किसी पार्टी का मतलब नहीं है अपना मुद्दा है हमने भाई ज्वाइनिंग चाहिए नौकरी चाहिए हमने और कुछ नहीं चाहिए ठीक है भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई भाई ये होमगार्ड वाले भी भाई आ रहे हैं ये भी कार्ड कूट रखे हैं आए बुरे भाई सबने सभी कार्ड सबकी समस्या एक है भाई आने तो फिर कमा है जिसकी जो समस्या सारे आ जाओ सारे एक से अपने तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों सब एक दूसरे का सारा बड़ा है जब बात बने ये सबसे देखो मुख बगीर जो है ना वो भी आए हुए हैं रेणी जी भी देखो वो दिव्यांग ये एक पर करा ये दिव्यांग कोटे वाले भी आ रहे हैं भाई हैं देखो ये भी हिम्मत कर रहे हैं बेचारे अड़ा रहे हैं ताली बजाओ भाई इनका ही हाँ अड़े हैं सारे अड़े ही बाढ़ आप बता दियो कोई बात नहीं एक नहीं वो जो भाई साहब कहोगे सारे मल्ला के नंबर है वो उस पर है भाई साहब के पेज पर जाएगा फेसबुक पर जाएगा और ऊपर पिन कर रखे हैं सारे